और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2422 करोड़ की लागत से 1514 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जो है वो दोपहर 12 बजे के करीब वर्चुअली किया जाएगा और इसमें संबंधित ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालय का ऑनलाइन कार्यालय जो है वो जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री की प्रदेश के गांव और ढाणियों तक विकास की राह को और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य जो है वो गांवों को नवीन सड़कों से जोड़ने की घोषणा राज्य की तरफ से की गई थी और इसी कड़ी में 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 350 और अधिक आबादी के अलावा जनजातीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से ज्यादा आबादी के 778 राजस्व गांवों को 1192 करोड़ की लागत से सड़कों से जोड़ने का काम किया जाएगा और उन्हीं कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं 2011 के बाद आपको बता दें कि घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 और अधिक आबादी के अलावा जनजातीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 736 राजस्व गांवों को 1230 करोड़ की लागत से सड़कों से जोड़ा जाएगा, उसका भी शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सुविधाएं और मजबूत होंगी। और सहयोगी शशि महान एक बार फिर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी इसको लेकर दे पाएंगे। शशि, बताया जा रहा है कि गांवों और ढाणियों तक जो सड़कों का जाल है वो और ज्यादा बिछेगा और ज्यादा उनका विस्तार होगा। आज मुख्यमंत्री शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो सौगात है वो देने जा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे पूरे इस प्रोजेक्ट के बारे में। अंकुर, प्रदेश में विकास में सड़क तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसको सब समझते हैं और इसी कारण से सड़कों पर सरकार का लगातार फोकस रहा है। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन सड़कों को शुरुआत करने की शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और 1514 राजस्व गांव ऐसे हैं जिनमें ये सड़कें बनेंगी और जैसा आपने दर्शकों को बताया कि 2422 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है जिसकी लागत है। पीडब्ल्यूडी जो है उसकी तरफ से ये पूरा काम होगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और कम से कम 250 की आबादी जहां पर है उन गांवों को भी सड़कों से जोड़ने की पूरी कवायद है। 250 से ज्यादा की आबादी के 736 गांव सड़कों से जुड़ेंगे और इस पर 1230 करोड़ रुपया खर्च होगा। बाकी जो गांव हैं वो 250 से ज्यादा की आबादी के, 500 या उससे अधिक की आबादी के, और इसमें डामर की सड़कें अधिकांश बननी है और कुछ जगह सीमेंटेड सड़कें भी होंगी लेकिन अधिकांश जगह डामर की सड़कें ही होंगी। और आप देखिए, सड़क तंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी भी जगह तक कोई भी तरीके की सुविधा संसाधन पहुंचाना है, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, मंडियों से गाँव का जोड़ना हो, किसानों की फसलें सही तरीके से पहुंच जाए, उन तक सुविधाएं पहुंचाना हो, पशुपालन से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाना हो, तो वो सड़क तंत्र जरूरी है। अगर वहाँ कोई पहुंच पाएगा या वहाँ के लोग बाहर से संपर्क सही तरीके से स्थापित कर पाएंगे तभी वहाँ विकास से जुड़ाव हो पाएगा। इस नजरिए से महत्वपूर्ण बात है कि और इन गांवों से जुड़े हुए लोग सरकार, सत्ताधारी पार्टी, उन सब से अपना नजदीकी से जुड़ाव महसूस करते हैं और फिर वो चीजें सरकार के प्रति सकारात्मक नजरिए को भी विकसित करती हैं। इन सब चीजों के नजरिए से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये आज 2000 करोड़ से ज्यादा की सड़कों का, 1514 गांव इसमें शामिल है और चुनाव से पहले ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की। बिल्कुल, तो प्रदेश की जनता के लिए बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी जाएगी। शशि, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से